स्टूडेंट वेलकम बैक मेहता सर की क्लासेस। नाउ वी डिस्कस 3D डायमेंशनल शेप। आज हम 3D आकृति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ध्यान रखें कि हमारे आसपास जो भी आकृति होती है वो या तो 2D यानी द्विविमीय या 3D आकृति होती है, 3D डायमेंशनल। तो इससे पहले हमने जो भी टॉपिक पढ़ा था उससे पहले हमने जो 2D आकृतियों के बारे में पढ़ा था यानी जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। और 3D डायमेंशनल क्या होती है? वे आकृति है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अथवा गहराई, ऊंचाई और गहराई एक ही होती है यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट और डेप्थ होती है, तो वो होती है 3D आकृति। अब हम आज 3D आकृति के में और डिटेल में बात करेंगे। इसके एग्जाम्पल है जैसे गन, घना, बेलन, शंकु, गोला, प्रिज्म और पिरामिड। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं घनाभ क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है। 6 पृष्ठों से घिरी वो बंद आकृति जिसका प्रत्येक फेस यानी फलक क्या हो, आयताकार हो। यानी अपने आसपास ऐसी आकृति देखो जिसकी प्रत्येक फेस यानी 6 फलक हो और वो आयताकार हो। कैसी हो? आयताकार। जैसे आपके सामने बना हुआ है घना जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड। इसका फेस कितने हैं? टोटल फेस होते हैं 6 फेस है। जो 6 के 6 फेस है वो आयताकार है। आयत आपको पता है जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। किनारा क्या होता है? दो शीर्षों को मिलाने वाले का क्या कहलाती है? किनारा। इसको इंग्लिश में कहते हैं शीर्ष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिक्स। यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच क्या है? घनाभ के शीर्ष। तो घनाभ की पहचान कैसे हो जाएगी? जिसमें 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे हो, वो घनाभ कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बुक। बुक भी क्या है? घनाभ है। इसका प्रत्येक फेस फलक आप देखोगे तो आयताकार होगा। जैसे ब्रिक्स यानी ईट, बॉक्स, कोई भी बॉक्स हो जो घनाभ के आकार का हो जिसका फलक कैसा होना चाहिए? आयताकार। ऑयल टिन यानी तेल का टिन, और उसी प्रकार मैच बॉक्स यानी माचिस, वो भी क्या है? घनाभ का उदाहरण है। और भी एग्जाम्पल है जो आप अपने आसपास के दे सकते हो, उसकी पहचान कर सकते हो कि वो घनाभ है या घन है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक घन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। क्या परिभाषा है? ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। यानी प्रत्येक फलक कैसा हो? वर्गाकार। घनाभ और घन में पहचान हो जाएगी, इसका प्रत्येक फलक आयताकार हो, इसका प्रत्येक फलक वर्गाकार हो, ठीक है। और लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो? बराबर, वो कहलाता है घन। इसकी पहचान भी सेम है, 6, 8, 12 यानी 6 तो वर्गाकार फलक होते हैं, सर स्क्वायर फेस होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं। इसके एग्जाम्पल है डाइस यानी पासा, जो हम गेम खेलते हैं लूडो में और भी गेम है इसमें यूज करते हैं। जैसे बॉक्स, बॉक्स कैसा होना चाहिए? घन के आकार का, जिसका फलक कैसा होना चाहिए? वर्गाकार। उसी प्रकार है चौक बॉक्स, जो स्कूल हम देखते हैं वो भी कैसा है? घन के आकार का। और भी आकृतियां जो घन और घनाभ के आकार की हो सकती है जिसको आप पहचान सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम 3D आकृति में पढ़ते हैं बेलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर की क्या विशेषता है? जिसका आधार और ऊपरी पृष्ठ दोनों क्या हो? वर्ताकार हो यानी सर्कुलर हो। ऐसी आकृति जिसका आधार और ऊपरी पृष्ठ दोनों क्या हो? वर्ताकार। और वक्र पृष्ठ यानी गोलाकार पृष्ठ वो कैसा हो? वर्ग भी हो सकता है और आयत भी हो सकता है। जैसे 3D आकृति को 2D में बताया मैंने, जैसे ऊपर और नीचे यानी आधार और ऊपरी हिस्सा दोनों क्या हो? वर्ताकार। और ये बीच वाला हिस्सा वर्ग भी हो सकता है और आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है और आयत भी हो सकता है। या आप गोल वृत्त के ऊपर वृत्त रखकर भी एक बेलन का निर्माण कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखे जैसे पानी का पाइप है, आपके घरों में होगा पानी का पाइप, वो एक बेलन का उदाहरण है। उसी तरह सेल है, घड़ी का सेल, वो भी क्या है? बेलन का उदाहरण है। और भी उदाहरण है, जैसे आप घर में देखेंगे पानी की टंकी भी होगी गोल, वो भी बेलन का उदाहरण है। या गेहूं रखने की टंकी भी होगी गोल, वो भी क्या है? बेलन का उदाहरण है। तो ये सब क्या है? बेलन के उदाहरण। लेकिन उसका आधार वो ऊपरी हिस्सा क्या होना चाहिए? वर्गाकार। और बाकी वाला हिस्सा वर्गाकार वक्राकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वक्राकार, क्रूड सरफेस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रूड सरफेस। नेक्स्ट है शंकु कोण। ये रहा शंकु की आकृति, ये इसकी ऊंचाई है एच, इसको एच से दर्शाएंगे, एल यानी तीरे ऊंचाई स्लैंट हाइट। और ये इसकी वर्गाकार है जो आर त्रिज्या, इसकी क्या है? त्रिज्या है। वर्ग की क्या है? त्रिज्या। यानी जिसका आधार क्या होना चाहिए? वर्ताकार। और बाकी क्या हिस्सा होना चाहिए? एक वर्गाकार जो एक ही शीर्ष पर मिलता है, वो क्या होता है? शंकु। इसको एग्जांपल से समझे, जैसे जोकर की टोपी है, आइसक्रीम का कोन है, वो क्या है? शंकु है। इसका एक दो पृष्ठ होते हैं, एक तो होता है वर्ताकार और एक होता है वर्गाकार। ये नीचे वाला आधार होता है वर्ताकार और ऊपर वाला ये वक्राकार होता है यानी कर्व्ड सरफेस, ठीक है। अगला है गोला, स्फीयर। क्या है? गोला। ऐसी ठोस या खोखली आकृति जो गोल हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल गेंद, कंचे, फुटबॉल। और भी आकृति है जैसे खाने की वस्तु है, नींबू है, संतरा है, जो ठोस भी हो सकती है या खोखली आकृति भी हो सकती है, गोला होता है। जैसे अब आप कहोगे सर सिक्का है क्या? नहीं, सिक्का गोल आकृति नहीं है क्योंकि उसका कर्व्ड सरफेस नहीं है यानी वक्राकार पृष्ठ नहीं, उसका सतह फ्लैट सरफेस है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिज्म। पहले सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। पॉलीहेड्रॉन हूज बेस एंड अपर पार्ट आर कॉन्करेंट पॉलीगन, यानी इसका जो बेस है और अपर पार्ट है दोनों क्या है? सर्वांगसम है यानी समान है। एंड
पॉलीगन होता है बहुपुज, बहुपुज क्या होता है, वह आकृति जिसकी तीन या तीन से अधिक भुजा, यानी इसका बेस त्रिभुज भी हो सकता है, चार भुजा वाला चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है, एंड द साइड, साइड यानी ये पार्श्व फलक, हिंदी में कहते हैं पार्श्व फलक, इंग्लिश में कहते हैं लेटरल फेसेस आर पोलियो पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज भी हो सकते हैं, ये जो फेस है ना ये लेटरल फेस, ये समांतर चतुर्भुज भी हो सकते हैं, यानी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर भी हो सकता है। ये जो चित्र है वो त्रिविमीय प्रिज्म है या त्रिविमीय प्रिज्म का चित्र है, यानी इसके अलावा इसका बेस आप चतुर्भुज लेकर भी बना सकते हैं। अब इसकी पहचान हो जाएगी, दो त्रिभुजाकार फलक आधार और अपर, यानी बेस और अपर पार्ट कैसा है, त्रिभुजाकार फलक है टू ट्रायंगल फेस एंड तीन आयताकार फलक है, इसके जो लेटरल फेस है आयताकार, आयताकार है, कैसे है आयताकार, थ्री रेक्टेंगुलर फेस, इसके शीर्ष कितने है एक दो तीन, यानी ए बी सी डी ई एफ, कितने है शीर्ष, छह शीर्ष है और नौ किनारे, किनारे क्या होते हैं दो शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, तो ये प्रिज्म है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पिरामिड, जो आपने देखा होगा बुक्स में, पिरामिड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं, अ पॉलीहेड्रॉन हुज बेस इज पॉलीगन, जिसका आधार क्या हो बहुभुज, पॉलीगन बहुभुज यानी तीन या तीन से अधिक भुजा, यानी आप यहाँ त्रिभुज भी ले सकते हैं, वर्त भी ले सकते हैं, आयत वर्ग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, एंड ऑल द साइड फेसेस आर ट्रायंगुलर, लेकिन इसके जो लेटरल फेस है वो कैसे होंगे ट्रायंगुलर, अ कॉमन वर्टिक्स जो एक ही शीर्ष पे मिलते हैं, इसके जो वर्टिक्स है एक ही शीर्ष पे मिलते हैं, कॉल द वर्टिक्स ऑफ पिरामिड। अब इसकी पहचान कैसे हो जाएगी, एक आयताकार फलक, यहाँ हमने बेस कैसा लिया आयताकार, तो वन रेक्टेंगुलर और चार त्रिभुजाकार फलक, फोर ट्रायंगल, पांच शीर्ष है और आठ किनारे है। इसके बाद इन सभी 3D आकृतियों में एक सूत्र लागू होता है जिसको हम कहते हैं आयलर फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला क्या है, वी प्लस एफ बराबर ई प्लस दो, यानी शीर्ष फलक और किनारे में संबंध है कि अगर मैं शीर्ष और फलक को जोड़ो तो किनारे प्लस दो के बराबर होगा, किनारे प्लस दो के बराबर होगा, ये सब 3D आकृति में लागू होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक में हम नया टॉपिक लेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहे और लाइक कीजिए।